स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि गलवेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिक डिफरेंस ये है स्पॉन्टेनिटी के टर्म्स के अंदर कि आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर वो रिएक्शंस ड्राइव कराते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमेशा आउटसाइड असिस्टेंस चाहिए होती है वो आउटसाइड असिस्टेंस नॉन स्पॉटेनियस रिएक्शंस ड्राइव कराती है और एज अ रिज़ल्ट केमिकल एनर्जी जनरेट करती है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं इन दैम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू ड्राइव द केमिकल प्रोसेस और स्टूडेंट्स वो केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिस और इलेक्ट्रोलिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉलिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल सर्किट से मूव कर रहे होते हैं और जो स्टूडेंट्स आप सोल्यूशन यानी कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे होते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स जो सोलूशन होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव केटाइन और एनाइंस होते हैं वो वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहे होते हैं टू ड्राइव एनी केमिकल चेंज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं यानी कि हम उनकी प्योरीफिकेशन कर सकते हैं हम जनरेट कर सकते हैं प्योर सोडियम को उसके अलावा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जनरेट करते हैं वो हम इलेक्ट्रोलिक सेल्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं यानी कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू ड्राइव आ नॉन स्पॉन्टेनस रिडॉक्स रिएक्शन तो स्टूडेंट्स द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एनोड एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस इन वोल्ट मीटर केटायंस आर डिस्चार्ज ऑन कैथोड एंड एनाइंस आर डिस्चार्ज ऑन एनोड वोल्ट मीटर के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं एनोड से कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो होता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो एनोड से कैथोड तक होता है लेकिन जो करंट आपका फ़्लो कर रहा होता है वो कैथोड टू एनोड फ्लो कर रहा होता है उसके अलावा स्टूडेंट्स आप मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख सकते हैं कि आपके पास एनोड है एनोड पे आपके पास क्या हो रहा है कि एनाइंस आपके पास जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं ना वो आ रहे हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है स्टूडेंट्स वो आपके कैटायंस और अनुन्स कैरी करते हैं हैं। और वो फ्लो करता है फ्रॉम द आउटसाइड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपको पता चल गया स्टूडेंट्स ऑलरेडी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड फ्लो करते हैं जबकि जो आपका करंट है वो कैथोड से एनोड NO तक फ्लो कर रहा होता है उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉलिस के अंदर हम कुछ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स से डील कर रहे होते हैं यानी कि कुछ होते हैं जो आपकी क्वान्टिटी ऑफ चार्ज कि कितना चार्ज आपके सोल्यूशन में से गुजर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ फ्लो ऑफ कर इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो यूनिट है वो है कूलम कूलम स्टूडेंट्स आपके पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है और ये वो चार्ज है जो कि आपके पास कैरी कर रहे होते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन एस्टू पार एटीन इलेक्ट्रॉन बाई स्टैंडर्ड उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके पास ये भी यूनिट है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज फेराडे स्टूडेंट्स जो आपके पास फेराडे होता है ये यूनिट होता है क्वानिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एंड इट इज द चार्ज विच इज कैरीड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कूलम और फेराडे में यही फर्क है कि हम कूलम के साथ जब डील कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इट इज द चार्ज विच इज कैरिड बाई सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन एस्टू पार एटीन इलेक्ट्रॉन जबकि फेरा

वन कूलम पर सेकंड यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर से गुजरा है वो आपको वन एम्पेयर बताएगा यानी कि ये है यूनिट ऑफ रेट ऑफ़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं लॉज ऑफ़ इलेक्ट्रोलिस की तरफ लॉज ऑफ़ इलेक्ट्रोलिस स्टूडेंट्स किसने दिए थे फेराडे ने दिए थे फैराडे ने स्टूडेंट्स क्या किया कि बताया कि वॉट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल चेंज जो कि सोल्यूशन के अंदर हो रहा है एज अ रिजल्ट के उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है इसको उसने दो लॉस की टर्म्स में डिफाइन किया जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आया फैरडेज फर्स्ट लॉ स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ये कहता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि उससे गुजरा है थ्रू द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आपके पास प्रोड्यूस हो रहा होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज उस सोल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो किया यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी आपकी चार्ज की गुजरी है जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोडक्ट आपकी जनरेट हुई है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है जो कि सॉल्यूशन के ऊपर से गुजरा यानी कि स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि एम इज डायरेक्टली मैथ जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी कि क्यू से जो आपके पास चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो चार्ज का यूनिट है वो कूलम होता है और आप इसको स्टूडेंट्स इस तरह से मैथमेटिकली आप जब इसका कॉन्स्टेंट खोलते हैं तो यहाँ पर जेड इंटू क्यू आता है जब आप यहाँ पे एम्पेयर से डील करते हैं करंट से डील करते हैं तो आप इसको कैसे लिखते हैं एम इज इक्व टू जी इंटू आई इन टू टी वे स्टूडेंट्स आपके पास जो आए है ये करंट है इन एम्पेयर जबकि टाइम आपके पास सेकंड्स में और आपके पास स्टूडेंट्स जो Z है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ये अपेरेंटली आपके पास अगर हम सिंपल फॉर्म में डिस्कस करें तो ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस है जो कि आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एज अ रिजल्ट वेना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस थ्रू इट यानी कि जिस सब्सटेंस के साथ आप डील कर रहे होते हैं उसी की क्वांटिटी के साथ डील कर रहा होता है तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट स्टूडेंट सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है फेराडे सेकेंड लॉ स्टेट्स कि इफ़ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस द केमिकल चेंज इन ईच केस वुड बी प्रोपोर्शनल टू द ग्राम इक्विवेलेंट मैस ऑफ ईच पेरेंट स्पीशी यानी कि यहाँ पे केमिकल इक्वेबलेंट को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स द मैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड बाय वन अंपेयर ऑफ करंट कितना क्वांटिटी ऑफ़ यानी कि हमारा जो डिज़ायर्ड सब्सटेंस था जिसको एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज हमने प्रोड्यूस करना था उसका जितना मैस एक इलेक्ट्रोड पर लिबरेट हुआ है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज पे, यानी कि बाय वन एम्पीयर ऑफ करंट पे, यानी कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में उसमें से फ्लो आउट हुआ और स्टूडेंट्स उसके अलावा इसके कहने का मतलब यह है सेकेंड लॉ का मतलब यह है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास मुख्त इलेक्ट्रोलिटिक सोलूशन के अंदर से गुजरी है तो उतना केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो ग्राम मैस है वो पेरेंट स्पीशी का उसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है यानी कि स्टूडेंट्स आपके सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर मुख्तु सोलूशन प्रेजेंट हैं और यहाँ पर हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं या सपोज कर सकते हैं कि सेम क्वान्टिट्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों सोलूशन में से गुजरी है या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसके अंदर से नाइन सिक्सटी फाइव हंड्रेड कोलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स या वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी गुजरी है अब एज अ रिजल्ट 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज या वन फेराडे ऑफ चार्ज इन तमाम सॉल्यूशंस में से गुजरा है तो जितना जितना मैस जिस जिस पेरेंट स्पीशी का अकोमोलेट हुआ है उसको मैं बोलूँगी कि वो क्या है उसका उसका ग्राम इक्विवेलेंट मैस है जिसके साथ हम फेराडेज लॉ में डील कर रहे थे तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिस फर्स्ट लॉ के साथ डील किया हमने सेकंड लॉ के साथ डील किया अब हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल्स में इनको डील करेंगे थैंक यू